तो आज हम सबसे पहले एक टेक्निक देखते हैं कि हम कैसे व्हाइट बैलेंस को ठीक कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को? फोटो क्लियरली विजिबल है ना? यस सर। हाँ सर। एक ब्लैंक लेयर लेना, उस पे व्हाइट, ग्रे या ब्लैक कोई कलर, यही कलर्स डालना, बाकी कोई कलर्स मत डालना। ब्लैंक लेयर के अंदर, न्यू लेयर के अंदर, और फिर सीधा फिल के अंदर जाना और इसको 50% ग्रे कर देना। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रहेगा, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी आपको जरूरत नहीं है, ओके कर देना, ठीक है, या क्लिक भी रहोगे। और इसको सीधा हमको जाके कर देना डिफरेंस, ब्लेंडिंग मोड कर देना डिफरेंस। उसके बाद हमको जाना है, और ये जो लास्ट ऑप्शन इनवर्ट पोस्टराइज थ्रेशोल्ड ग्रेडियंट मैप सिलेक्टिव कलर, इसमें हमको थ्रेशोल्ड लेना। थ्रेशोल्ड लेने से देखना आप क्या करेंगे, आप तो एक ब्लैक आउट इमेज देगा। इसके बाद इसका जैसे ही आप रेडियस चेंज करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू रेडियस आपको क्लस्टर देगा कलर्स का, कि ये क्लस्टर ऑफ कलर्स है जहां पे आप वर्किंग कर सकते हो। तो आपको बेसिकली एक छोटा क्लस्टर लाना है, ऐसे ब्लैक क्लस्टर, जो आपका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। जैसे ये क्लस्टर अकॉर्डिंग टू 25 इज परफेक्ट फॉर मी, ये ब्लैक क्लस्टर जो आपका रेडियस पॉइंट बनेगा सैम्पलिंग के लिए, कलर सैम्पलिंग के लिए। उसमें हमको एक ही काम करना है, कलर पिकर टूल में जाना है और कलर सैम्पलर में जाना है, कलर सैम्पलर में जाना है और पॉइंट सैंपल सेलेक्ट करना है। पॉइंट सैंपल सेलेक्ट करना है हमको। प्लीज ऑफ कर दीजिए, इसका स्पीकर ऑन, उसको ऑफ कर दीजिए। आए सब। सो उसके बाद हमको जाना है और थोड़ा एनलार्ज करके, जैसे ये क्लस्टर परफेक्ट है, क्लस्टर ऐसा लाने की कोशिश करना, जितना बारीक क्लस्टर लाओगे और जितना लाइंस प्रॉपर लाओगे, ब्लैक के लाइन। अब इसको जाके आप इसको सिलेक्ट कर दो। मैं थोड़ा सा और लाइन कम करके देखता हूँ, ज्यादा हो गया, 22 हो गया। अब ये मैं क्लस्टर को कलर सैंपल बना लूंगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जाना है एक कर्व्स लेयर लेना और बाकी दोनों लेयर्स को आप ऑफ कर दो। ये मेरा कलर सैंपल हो गया। आप नॉर्मल जाओ कर्व लेयर पे, और जो सेकंड ऑप्शन है ग्रे पॉइंट का, उसको जाके यहाँ पे क्लिक कर दो एग्जैक्टली सैंपल पॉइंट में। तो आपको एक बेस दे देगा कलर्स का। अब ये कलर से आप एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हो। जैसे रेड्स आपका है, थोड़ा सा पुल डाउन करो, ये ग्रीन्स अगर आपको नहीं है ठीक है, ब्लूज अगर लग रहा है ज्यादा ये जा रहा है, पुल इट डाउन, ये देखो आपको सैम्पलिंग दे देगा। तो ये देखो दिख रहा है, कट हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर दो इसको। यस सर, रिपीट। आपको एक ब्लैंक लेयर लेना है, उस पे व्हाइट, ग्रे या ब्लैक कोई भी कलर फिल करना है। सीधा हमको जाना है फिल में और 50% ग्रे ले लेना है। 50% ग्रे लेके इसको हमको ब्लेंडिंग मोड में जाके डिफरेंस में डाल देना। डिफरेंस में डालने के बाद आप सीधा जाओ और इसको थ्रेशोल्ड करो। थ्रेशोल्ड करके क्लस्टर ऑफ कलर्स, आगे पीछे करके क्लस्टर ऑफ कलर्स। अब देखो मैंने सैंपल नहीं हटाया, तो ये सैंपल लेगा। एक बार सैंपल जाके, सैंपल आई ड्रॉप टूल में जाके, सैंपल में जाके क्लियर कर देना, ये सैंपल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद थ्रेशोल्ड पे जाके हमको क्लस्टर ऑफ कलर्स लाना है और देखना है कि कलर
पॉइंट मेरे लिए सही है कि नहीं, इस तरीके से क्लस्टर अराउंड 22 से 25 के बीच। अब देखो मुझे एक क्लस्टर मिल गया, एक मेजर क्लस्टर मिल गया सैंपलिंग के लिए। उसके बाद कलर्स इसमें जाना है हमको, कलर सैंपलर्स में पॉइंट सैंपल रखना। पॉइंट सैंपल में जाके जो क्लस्टर्ड एरिया उसमें से ब्लैक पॉइंट को, किसी भी एक ब्लैक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना, ये आपका सैंपल पॉइंट बन जाएगा। फिर हमको जाना है कर्व्स पे, कर्व सिलेक्ट करना, दोनों को ऑफ कर दो और सीधा जो बिटवीन का है ग्रे पॉइंट उसको लेके वो सैंपल पे क्लिक करो, आपको बेस दे देगा। जैसे ही बेस देगा आपके पास ऑप्शन है रेड ब्लू ग्रीन का, आप थोड़ा सा रेड या तो सैन की तरफ जा रहा है तो पुल करोगे, ये देखो। बाकी आपको इसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिख रहा है आपको थोड़ा। अगर मैं ब्लूज की तरफ जाता हूँ, ये दिख रहा है। इस तरीके से हम व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। एक सैंपल और देखते हैं हम लोग। फिर हमको एक इस लेयर को क्रिएट कर देना डिफरेंस में, डिफरेंस, और सीधा हमको थ्रेशोल्ड का एक नया लेयर लाना है और उसके बाद क्लस्टर ऑफ कलर्स को क्रिएट करना है। कर्व्स पे जाना है, सॉरी मैंने मिस कर दिया एक स्टेप, वो है कलर सैंपलर लेना और कलर एक सैंपलिंग कलर हमको यहाँ से बना लेना। जो एक्सट्रीम होगा उसमें तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहेंगे, बट जो बेसिक कलर कास्टिंग रहेगा वो लगभग लगभग ये क्लियर कर देगा, क्योंकि ये इमेज में उतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो रिटेन कर पाए। ये बेसिक कास्टिंग को ऑलवेज न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। सैंपल और ले लेते हैं,
आपके पास पूरा आरजीबी का इंफॉर्मेशन आ जाएगा जहां से आप एडजस्टमेंट इजीली कर सकते। क्लियर हुआ इसमें किसी को कोई डाउट्स? ये देखो इसमें किसी को कोई डाउट्स? जहां बेस स्किन टोन है ये बेस स्किन टोन उसने ले आया है। किसी को और कोई डाउट्स इसमें? हेलो सर, वो कलर सम पर और एक बार बताइए तो सर, कहां से लेना है कलर सैंपलर? हाँ ये सर थोड़ा गुंदल गया सर। ये डिफरेंस पे रहना है, फिर थ्रेशोल्ड लाना है। थ्रेशोल्ड लाके हमको एक क्लस्टर क्रिएट करना है, बारीक से बारीक का, एकदम ऐसा टाइप का नहीं जिसमें क्लस्टर अच्छी तरह दिखे जैसे, और कोशिश करना कि बॉडी पे ज्यादा दिखे जिस तरीके से, जिस तरह से अब जैसे ये जगह हमको दिख रहा है अब क्लस्टर ऑफ कलर है ये लाइन पे। ठीक है, अब कम करके और देखते हैं, ये हमारा क्लस्टर आ गया। ठीक है, नोटिस करना क्लस्टर आ चुका है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहां जाके कलर सैंपलर में, आई ड्रॉपर टूल में जाके कलर सैंपलर में सैंपल साइज पॉइंट सैंपल रखना, हमको एवरेज नहीं रखना, और वो क्लस्टर के एक ब्लैक पॉइंट में जाके क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका वो सैंपलिंग ले लेगा एरिया का। फिर दोनों को ऑफ कर दो, कर्व्स पे जाओ, नया एडजस्टमेंट कर्व्स में सेंटर वाला लेना जो मिड टोन पॉइंट है, और फिर क्लिक करना तो आपको एक सैंपलिंग दे देगा। अब आपको एडजस्टमेंट लेयर दे देगा यहाँ पे, जैसे आपको सयान कम करना है तो पुल इट डाउन, थोड़ा सा ब्लूज ऐड करना है मतलब येलोज ऐड करना है ये, और मजेंटा अगर आपको कट करना है दिखाओ। यस सर। सर इसको एक्शन बना के काम कर सकते हैं क्या? था एक्शन बना सकते, मगर थ्रेशोल्ड को तो आपको मैन्युअली ही काम करना पड़ेगा। हाँ, वो मैनुअल करने के बाद ऑटोमेटिक आप फिर से काम चल जैसा होता है एक्शन। हाँ। हो जाएगा ना, एक बार ट्राई करने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ एकदम ठीक है। चलो अब इसके बाद इसी इमेज पे एक वर्किंग करते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये बेस कलर बन चुका, ठीक है, हमारा एक बेस कलर बन चुका। अब हम कैसे इस बेस कलर पे थोड़ा सा और कलर ग्रेडिंग प्रॉपर कर सकते हैं? तो इस पे हमको कुछ नहीं करना, एक ब्लैंक लेयर लो आप, एम्प्टी लेयर लो, और इसका वर्जन कर दो आप कलर, इसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर दो कलर। फिर वही है, आई ड्रॉपर टूल से एक कलर सैंपल लो, ब्रश टूल पे जाओ, ब्रश टूल पे जाके अराउंड 20-20 रखो, और ये जैसे ग्रीन एरिया है आपका, ये जैसे एरिया ऑफ प्रॉब्लम है, दिख रहा है फिलिंग हो रहा है? ये ब्लैक जोन पे चले जाओ, हल्का सा ग्रीन एरिया उस पर, इस तरीके से हम फिलिंग आउट कलर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज कर सकते हैं हम लोग, इसका कॉपी बना लो लेयर का, ठीक है, स्टैम्प विजिबल लेयर बना लो,
स्टैम्प विजिबल लेयर बनाने के बाद इसका जो प्रॉपर मिडटोन एरिया है उसको सिलेक्ट करो, ये जैसे मिडटोन है, हाईलाइट एरिया मत लेना, शेडो एरिया मत लेना, एक अच्छा मिडटोन एरिया लेना, जैसे ये मैंने प्रॉपर मिडटोन लिया, कॉपी, इसको रखना सिलेक्ट, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट रखना, सिर्फ ये इसको सिलेक्ट रखना, सिलेक्शन मत, ऐसा मत लेना सिलेक्शन कि जो हाई मतलब विदाउट सिलेक्शन, इसको मत करना, सिलेक्शन लेके एक काम करना वो है ब्लर में जाना और एवरेज कर देना। तो ये एक तरीके से आपका एक कलर सैंपलिंग दे दिया उस एरिया का। उसके बाद ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अभी, ये आ गया सैंपल कार्ड, ये हमारा आ गया कलर सैंपलर कार्ड, इसमें अलग अलग कलर सैंपल्स हमारे दिए हुए हैं। अब इससे मिलता जुलता कलर क्या है हमारा, ये है ना, ये कलर मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर बनाना है, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर बनाना है। और एक पॉइंट सैंपल ले लेना, ये सॉरी पॉइंट सैंपल मतलब कलर सैंपल ले लेना ये एरिया, तो ये आपको एक पॉइंट सैंपल दे देगा एरिया का। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे आपको वैल्यूज दिया है जहां से आप वर्क कर सकते हो, 129 इज फॉर रेड, 96 इज फॉर ग्रीन्स एंड 79 इज फॉर ब्लूज। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं रेड्स पे, पुल करके इसको यहां पे वैल्यूज चेक करो और यहां पे भी आपको वैल्यूज दिखाएगा। इसको ऑफ कर, ये सैंपलिंग को ऑफ कर देना, ये ठीक है, हम रेड पे आ गए। और एक सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट ले लेना ये, तो अब हमको वैल्यूज दिखाना, ये स्टार्ट कर देगा जैसे हम मूवमेंट करेंगे। इसको हमको कोशिश करना लाने के लिए 129 पे, ये दिख रहा है आप लोगों को आरजीबी, सैंपल करने से आरजीबी का कलर पूरा दिखा दे रहा है आपको, 126, 104 एंड 91 दिख रहा है आप लोगों को, ये एरिया में दिख रहा है आप लोगों को कलर्स का वैल्यू। यस सर। अब आर मतलब रेड, रेड को हमको ले जाना है 129 पे, ग्रीन्स को हमको ले जाना है 96।
और ब्लू स्कॉम को ले जाना है 79। तो इस तरीके से हम कलर को सैंपल मारेंगे। ये हमारा इमेज है, अब ये यहां पे रेडी होगी। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब सपोज मुझे इस पे एक स्पेसिफिक कलर टोन डालना है इस फेस पे, आपको लग रहा है ये ब्राइटन आउट फेस है। तो कल हमने जो समझाया था, अब मैं एक रेफरेंस पिक्चर ले लेता हूं इसमें, कोई भी जो स्किन टोन का आपको अच्छा रेफरेंस पिक्चर लगे। अब मुझे ये स्किन टोन का पिक्चर लग रहा है कि ये मेरे इसके लिए आइडियल है। तो इसके लिए अब क्या करना है, आपको एक ग्रेडियंट मैप बनाना है। ग्रेडियंट मैप इस पे नहीं, इमेज पे ग्रेडियंट मैप बनाना है और इसको सीधा आप ले जाना ल्यूमिनोसिटी में, या नॉर्मल में रखना चलेगा आपका। और हमारा जो फर्स्ट वर्क है, हम चार पॉइंट्स, पांच पॉइंट्स बना लेंगे। फर्स्ट इज 50, सेवेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव। अब इस सैंपल से सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हाईलाइट मतलब ब्लैक्स ले ले हमारा बेसिक शैडोज के लिए। फिर हम इसका जो मिलता जुलता जो डीपेस्ट शैडो है ये लेने की कोशिश करेंगे। फिर मिड टोन्स लेने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा सा मिड टोन लेने की कोशिश करेंगे। फिर उससे लाइटर हम शैडो लेने की कोशिश, मिड टोन लेने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम ब्राइटेस्ट हाईलाइट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको जाके आप सीधा कर दो सॉफ्ट कलर या सॉफ्ट लाइट, डिपेंड्स आपके चॉइस के ऊपर। और इसका फिल कर दो कप, ये आपको देगा इफेक्ट इस पे। अब जैसे ये हुआ, या फिर आप इसको कर दो सॉफ्ट लाइट और इसका फिल थोड़ा सा बढ़ा दो, ये अब आपको बेस एक कलर दे देगा अगर आपको कलर करना है। और इसके बाद मैप आउट करके आप फेस पे वो कलर को यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहे तो ग्रेडियंट्स में उसके बाद चेंजेस ला सकते हो। अब जैसे लगता है कि नहीं ये शैडो पॉइंट मेरे लिए गलत है, आई कैन गो विद दिस, तो गो विद दिस। ये देखो चेंजेस लाया उसमें, मुझे लगता है कि ये मुझे चाहिए एक्चुअल शैडो, डीपर शैडो, तो हम ये डीप शैडो इस तरीके से जाके ये। तो इस तरीके से हम अपने कलर को बैलेंस आउट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कलर कोशिश करना उससे मिलता जुलता इमेज रहे तो वो बेटर रहता है लाने के लिए। अब एक चीज और जो हम लोग कर सकते हैं इसमें, वो है जैसे ये हमारा ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को जैसे हम लेते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मली यू पे रहता है। हमको इसको ब्राइटनेस में ले जाके सीधा ब्राइटनेस जीरो ब्लैक पे लाना है। फिर नेक्स्ट को क्लिक करो, इसका ब्राइटनेस लो और सीधा टॉप जीरो, इसका ब्राइटनेस लो सीधा टॉप, इसका ब्राइटनेस लो सीधा ब्राइटेस्ट पॉइंट। इसका ब्राइटनेस लो आप इसका ब्राइटेस्ट पॉइंट। तो
अब देखो जैसे ही मैं ब्राइटेस्ट पॉइंट बनाया हूँ, टोन्स में चेंजेस आया है। अब अगर मैं कलर इम्प्लाई करके इसको सिर्फ टॉप लाइट पे लाता हूँ, सर स्क्रीन स्टॉप हो गया है। स्क्रीन स्टॉप हो गया, यस सर। मूवमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर मूवमेंट। अभी अभी हुआ सर। तो दिख रहा है इमेज क्लियरली? अब विजिबल है? यस सर विजिबल सर। ये सेकंड इमेज दिख रहा? सेकेंड इमेज विजिबल है? यस सर विजिबल। तो फर्स्ट इमेज पे जाके आपको ग्रेडियंट मैप बनाना है। ग्रेडियंट मैप को चार पार्ट पे डिवाइड कर दो। फर्स्ट जीरो जो डार्क पॉइंट है, सेकेंड सेंटर 50, थर्ड 75 और फोर्थ है 25। तो उसको नंबरिंग कर देना, पहले से 25 ये 50 में है और ये 75। आप इन बिटवीन पॉइंट्स भी ले सकते हैं इन फ्यूचर। अब हमको इसका ग्रेडियंट बनाना है, तो ग्रेडियंट बनाने के लिए आप ग्रेडियंट सिलेक्ट रखना और दूसरे इमेज को सिलेक्ट कर लेना। दूसरा इमेज क्लियरली विजिबल है? दूसरा इमेज क्लियरली विजिबल है? यस सर विजिबल सर क्लियरली। ग्रेडियंट पे क्लिक करना, आपका ये ग्रेडियंट ओपन हो जाएगा। सेकेंड इमेज लेना। अब इससे हम सबसे पहले तो हम ब्लैक पॉइंट बना लेते। सेकंड जो नियर बाय हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि वो शैडोज हम ले लें। अब हमको लगता है कि ये शैडोज हमारा अच्छा है और इसको हाँ यू सैचुरेशन में रखना है, एच में रखना है, यू ऑफ सैचुरेशन यू में रखना, क्योंकि अब ये कलर डेफिनेशंस ले रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाना, उससे नियर बाय जो आपको लगता है ओके ब्लैक पॉइंट ले लेना हमको पहले। इससे नियर बाय जो हमको लगता है कि इसके बाद हमारा ये पॉइंट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट चले जाना। फिर ब्राइटेस्ट पॉइंट पे आ जाना। तो ये हमारा बेस इमेज रेडी हो गया। अब हम इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट या कलर, दो लाइट हम यूज कर सकते हैं। तो हम सॉफ्ट लाइट करते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट रेशियो मेंटेन करेगा। अब 20 करेंगे तो देखो वो फेस का ग्रेड्स पे चेंज ला रहा है। अब एक चीज और हम कर सकते हैं, 30 करोगे और एनहांसमेंट आ जाएगा। एक चीज और हम कर सकते हैं इस पे, जैसे इस ग्रेडियंट को लिए हम, ग्रेडियंट विजिबल है आपका? ग्रेडियंट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर विजिबल सर। तो इस पे क्लिक करके जो हमारा ब्राइटनेस है इसको या तो लो या मिनिमम। अभी हमको सेकंड इमेज पे जाना, सेकंड क्लिक पे जाना, ब्राइटनेस पे क्लिक करना, इसको फुल ब्राइट कर लेना, ठीक है? फिर ब्राइटनेस फिर क्लिक करना, ब्राइटनेस बी का है, फुल ब्राइट कर लेना। थर्ड क्लिक इट आउट, फुल ब्राइट। फिफ्थ क्लिक इट आउट, ये ब्राइटनेस पूरा। तो इस तरीके से हम
ब्राइटनेस के थ्रू भी इस कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। अभी जितना कॉन्ट्रास्ट बनाओगे ब्राइट के ऊपर वर्क करेगा, और सिर्फ आप स्किन के ऊपर मास्किंग कर सकते हैं जो आपको स्किन कलर टोन है। तो ये एग्जैक्टली अगर एक्सपोजर हमारा सेम रहा तो हम ट्रू कॉपी स्किन टोन कॉपी कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, एक प्लगइन आता है जो बहुत इजी रहता है, वो है जिससे आप कोई भी कलर थीम को किसी भी कलर थीम के साथ वर्क कर सकते हो। अब मैं वो प्लगइन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ जिसमें इतना टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने ये बनाया है तो मैं उनसे लिया हूँ। अब मैं सपोज चाहता हूँ कि ये मेरे को कलर टोन चाहिए, ठीक है, इसके टाइल टोन चाहिए, तब ये विंडोज में एक आता है एनबीपी कलर मैक्स, इस पे आप डिवाइन कर दीजिए आपको कितने कलर्स चाहिए। सपोज मैं लेता हूँ 6 कलर्स, एनालाइज करता हूँ, तो ये 6 कलर्स इस इमेज के इसने दे दिया। फिर आप इमेज को लो, इस पे जाओ और ग्रेडियंट अप्लाई ग्रेडियंट करो, देखो वो 6 कलर्स का उसने ग्रेडियंट मैप आपके लिए बना लिया, ठीक है। अब एक चीज और हम कर सकते हैं ग्रेडियंट मैप में, मैन्युअली तो मैंने समझा दिया है, विद सॉफ्टवेयर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू वर्क विद ग्रेडियंट मैप। अब एक चीज हम ग्रेडियंट मैप में और कर सकते हैं कलराइजिंग करने के लिए या कलर ग्रेडिंग करने के लिए, वो है हम एक ग्रेडियंट मैप लेते हैं, ग्रेडियंट मैप में हम सीधा जाते हैं, उस ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट मैप सर मैं ये बता रहा हूं, ग्रेडियंट लेते हैं, प्रॉपर ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट मैप नहीं ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट पे जाके हम कोई भी कलर सैंपल लेते हैं, ग्रेडियंट मैप सॉरी मैंने फोटो ग्रेडियंट मैप पे जाके नॉइस सैंपल पे, जनरली ग्रेडियंट क्या रहता है इस तरीके से रहता है, ग्रेडियंट टाइप को हमको नॉइस सैंपल पे क्लिक करना और इसका रफनेस हमको कम कर देगा अराउंड 2-3 पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट कलर करके। अब आप इसको एड ट्रांसपेरेंसी करो, ट्रांसपेरेंसी जरूरत भी नहीं तो रिस्ट्रिक्ट कलर करो। अब इसको रैंडमाइज करो तो आपको अलग अलग थीम देना शुरू कर देगा ये। इस थीम को हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो हम बेसिक एक ग्रेडियंट लेते हैं, हटाओ इस पे, कोशिश करना ग्रेडियंट को प्योर ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट ताकि आपका बेस आपको मिल जाए। इसको हम कर देते हैं सॉफ्ट लाइट पे और सॉफ्ट लाइट की ओपेसिटी फिल हम अभी कर देते हैं 50%। फिर ग्रेडियंट पे डबल क्लिक करना, ग्रेडियंट ओपन करना, उसके बाद सॉलिड की जगह नॉइस सैंपल पे जाना, नॉइस सैंपल पे जाके इसका रफनेस 0 to around 5-10 रख सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। इसके बाद जैसी और रिस्ट्रिक्ट कलर कर सकते हैं, और इसके बाद जैसी रैंडमाइज करते जाओगे आपको अलग अलग कलर भी मिलेगा। आप चाहे तो इसको सेव भी कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वो कलर खोजने की जरूरत न पड़े। अब जैसे इंपोर्ट करके मैं एक नया कलर स्कीम बना लूंगा और उसमें इसको डाल दूंगा, या फिर यहाँ जाके आप इंपोर्ट करना या न्यू क्लिक करोगे तो वो नया, जैसे ये मुझे लगा कि अच्छा है मैं आगे चल के इसको यूज कर सकता हूँ, न्यू क्लिक करोगे तो वो एक नया आपके लिए बन जाएगा वहां पे। तो ये रैंडमाइज कर करके आप अलग अलग कलर्स यहाँ से बना सकते हो जो आपके थीम के लिए अच्छा लगे। बाद में आप उसको बैकग्राउंड में यूज करना चाहो या फोरग्राउंड में यूज करना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई डाउट्स अभी तक? कोई डाउट्स? चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्योर कलर ग्रेडिंग, हम कैसे प्योर कलर ग्रेड कर सकते हैं वाया फोटोशॉप। जैसे हमने कल समझा था चैनल मिक्सर, अब चैनल मिक्सर को डिटेलली फर्स्ट बेस हम चैनल मिक्सर में कैसे वर्क कर सकते हैं, इमेज आप लोग को दिख रहा है क्लियर? इमेज दिख रहा है? यस सर। सबसे पहले हम आ जाते हैं चैनल मिक्सर। चैनल मिक्सर का बेसिक काम क्या होता है कि जो भी गिवन कलर है वो उसी का
अब रेड को अपोजिट सयान है तो मैं सयान में चले जाऊंगा, तो ये उस कलर को ये चेंज करेगा, उस कलर को पंच और रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और एड ऑन डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है कॉन्स्टेंट है, ये व्हाइट्स मतलब उसका व्हाइट्स और डार्क्स लाने की कोशिश करेगा उस कलर्स का। लाइटनेस कम कर देने से क्या होगा, वो जो कलर है जैसे मैंने रेड चैनल पे वर्क किया, अब लाइटनेस में कम कर दूंगा तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि वो रेड सैंपल पे सबसे कम इफेक्ट करेगा या उसको लगभग लगभग उस पर इफेक्ट करने की कोशिश जीरो करेगा। तो चलो पहले मैं रेड सैंपल को जीरो कर देता हूँ, मैंने रेड लिया है और यहाँ ब्लेंडिंग मोड को लाइटनेस में लगा। अब मैं थोड़ा चेंजेस करके देखता हूँ कि मेरे ब्लू सैंपल्स में चेंजेस क्या आ रही है। देखो अब चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे ही मैं रेड्स को पुल करने की कोशिश करूंगा और रेड्स को रिटेन करने की कोशिश करेगा, या मुझे लगता है कि नहीं मुझे रेड सैंपल से ग्रीन सैंपल में डार्कनेस चाहिए, अब रेड सैंपल सपोज मुझे नहीं जमा तो मैं एक बार चले जाऊंगा ब्लू सैंपल में, लाइटनेस मेंटेन करता हूं ब्लू को, अब मैं अगर शिफ्ट करता हूं तो देखता हूं क्या हैपन होता है मेरे लिए। तो बेसिकली ये रेड सैंपल पे वर्क कर रहा है। तो अब हम फर्स्ट ट्राई मारते हैं रेड सैंपल पे ही वर्क करने का। तो इस तरीके से हम चैनल शिफ्ट करके बेसिक, फिर आप बेसिक कलर को रिस्टोर कर सकते हो, बेसिक इमेज को। सीसी में बहुत इजी है कि आप सीधा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, आपका बेस सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। वैसे ही बेस सब्जेक्ट आपका रेडी हो गया, आप इसको सीधा सीधा मास्क आउट कर सकते हो या सेकेंड कॉपी बना के इसका मास्किंग कर सकते हो। और फिर इसको क्लिप कर दो, ये सॉरी मैंने आउटवर्ड दिया। फिर इस ग्रेडिंग को आप क्लिप कर दो, ये इनवर्स क्लिप हो गया। आप जैसे ही हम इसको ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे हमको अलग अलग डेप्थ और कलर सेंसिंग ये देना शुरू कर देगा। जैसे मैं इस तरह से ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूं अपने बैकड्रॉप का, तो
इस तरीके से हमको ये डेप्थ क्रिएशन देना शुरू कर देगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन हम इजीली कर सकते हैं वर्क, अब सपोज ये इमेज है, अगर इस इमेज को मुझे बगैर रॉ, मैं जेपीजी में ये इमेज खींचा या मैं, तो मैं इसको कैसे रिकवर कर सकता हूँ? सबसे पहले आप एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर जाओ और इसको सीधा स्क्रीन कर दो, तो आपके जो ब्लैक्स है व्हाइट्स है वो रिकवर हो जाएंगे। फिर मास्क आउट करो इमेज को और बैकड्रॉप पे एरिया पे जो आपको वर्किंग करना है, जो आपको रिकवर करना है उसको रिकवर कर लो। उसके बाद फिर से हम कर्व सक्सेसफुल में गए। अब आप कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी फिल को अगर हम कम कर देते हैं अराउंड 30, अब इसके बाद मास्क आउट करके आप जो हाईलाइट एरियाज है फेस के एरियाज है इसको आप इजीली डार्कन आउट कर सकते हो या एरिया को रिकवर कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं ग्रेडियंट मैप में। अब सपोज मैंने एक ग्रेडियंट ले लिया, इसको मैं कर दिया कलर, इनवर्स बैक करके मैं उस ग्रेडियंट पे मास्क आउट करके कलर्स निकाल सकता हूं। इसकी मैं ओपेसिटी कम कर देता हूं। लास्ट हम आ जाते स्किन टोन के बैलेंस के लिए। तो स्किन टोन के बैलेंस के लिए हम ऑलवेज क्या कर सकते हैं, फोटो फिल्टर में जाके सपोज मैं अब ले लेता हूं ब्लू, तो अब बेसिक स्किन टोन का येलो टोनिंग में कम कर सकता हूं और फिर ब्रश आउट कर सकता हूं और थोड़ा सा इसका ओपेक्स फ्लो कम कर सकता हूं। तो ये देखो, अब हम वर्क करते हैं ल्यूमिनेंस बेसिस पे। ल्यूमिनेंस बेसिस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इमेज बना ले लेते हैं। इमेज लेके हम चले जाते हैं कलर रेंज पे। इमेज दिख रहा है ना, फोटो फोटो क्लियरली विजिबल है ना, और एरिया ऑफ कलर्स हम सिलेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा ब्लेंडिंग ऑप्शन से पहले खेलते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन से जाके हम चले जाते हैं कर्व यू सैचुरेशन में और सैचुरेशन बढ़ाते हैं, और सीधा सैचुरेशन बढ़ाने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कर देते हैं मल्टीप्लाई या फिर सॉफ्ट लाइट। डिफरेंस दिख रहा है ग्रेडिएशन में, सेकेंड हम आ जाते फिर लुमिनेंस बेसिस पे कलर रेंज पे जाते हैं
और अब ग्रीन कलर्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कलर रेंज पे जाके पहले बेस कलर लेना, उसके बाद उसी से मिलता जुलता कलर्स को क्लिक करना, तो ये बेसिक कलर आपका लेना शुरू कर देगा उस एरिया से, वो सैम्पलिंग करना शुरू कर देगा। फेस से हम हटा सकते हैं उसको इजीली। कल ह्यू सैचुरेशन में जाओ, फिर हम आ जाते हैं फाइनल, वो है इमेज पे। इमेज पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं, हम एक व्हाइट पॉइंट लेते हैं और इमेज के व्हाइट एरिया पे एक बार हिट करके देखते हैं कि ब्राइटनेस ये आ गया आपका। कोई डाउट्स इसमें? कोई डाउट्स इसमें? एक जो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो कलर बैलेंस करने के लिए, वो है कर्व्स जाके व्हाइट पॉइंट लेना लास्ट एंड, और इमेज का एक ग्रे सेंटर पॉइंट लोगे ना तो ऑलवेज आपको एक बेसिक करेक्शन मिल जाएगा इमेज का। ये देखो दिख रहा, ब्लैक पॉइंट ऊपर वाला है, ब्लैक पॉइंट क्लिक करोगे तो ये डार्क आउट करेगा, और ये मिड टोन पॉइंट है, आप अगर ग्रे लोगे ये मिड टोन का करेक्शन करेगा। तो ऑलवेज बेटर है व्हाइट पॉइंट के साथ वर्क करना, तो इसपे आपको एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा और एक ग्रेड भी मिल जाएगा। अगर इंस्टेंट ग्रेडिंग करना है तो इसपे कोशिश करना बैलेंस आउट व्हाइट पॉइंट। देखो आप प्योर व्हाइट पॉइंट देने की कोशिश करना तो ये आपको अच्छा खासा बैलेंस दे सकता है। कोई डाउट अब तक? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके सर, एक बात कलर बैलेंस में। हाँ एक बात थोड़ा चाहिए। हाँ बोलिए, कलर बैलेंस में क्या एक है ना, ये जो प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी, इसका फंक्शन क्या है? व्हाइट्स और इसका नहीं, ये जो प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी है ना, एक चेकबॉक्स, ये देखो, ये होता है डायरेक्ट कलर बैलेंस। और ल्यूमिनोसिटी प्रिजर्व करने से वो क्या करता है, वो जो आपका ल्यूमिनोसिटी है मतलब व्हाइट्स ग्रेज और ब्लैक्स, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है उस एरिया पे, ज्यादा इस पे इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बट जैसे अब शेडोज, ठीक है, ये शेडोज पे वर्क कर रहा जाता, अब इसको हटा दिया, ये लाइटर वर्क करेगा। रिजॉल्व ल्यूमिनोसिटी करोगे तो वो डार्क एरिया पे सबसे ज्यादा पंच करेगा। अच्छा, मतलब ये वो उस ल्यूमिनेंस कलर के ऊपर सबसे ज्यादा कलर डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये मैं ले लिया हाइलाइट्स, ठीक है, नॉर्मली हाइलाइट्स, तो ये अब ल्यूमिनोसिटी के साथ करूंगा तो ये लाइटर टोन पे जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज बहुत क्लियर कर लेना कि प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी मतलब अगर आप हाइलाइट्स कर रहे हो और हाइलाइट्स पे चाह रहे हो कि हल्का सा मुझे चाहिए तो आप हाइलाइट्स पे क्लिक करो, मगर अगर यही आप शैडो पे ल्यूमिनोसिटी करोगे तो ये प्रेशर सबसे ज्यादा देगा। ठीक है, तो वो उस एरिया पे उसको हाईलाइट या उस कलर का हाईलाइट या डार्क पॉइंट सबसे ज्यादा करने की कोशिश करता है। सेम गोज विद मिड टोन्स, ठीक है, ये मिड टोन्स है, ये नॉर्मल देखो ग्रीन पंच हुआ है ल्यूमिनोसिटी के साथ, इस पे एक फ्लैट कलर आ गया है, इस पे वो कोशिश कर रहा है ब्लैक्स
और व्हाइट और हाइलाइट्स को मेंटेन। अब ये यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करना, ये जगह नोटिस करना, ठीक है। यहां पे अगर मैं विदाउट ल्यूमिनस कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं विद ल्यूमिनस के साथ, तो ये ब्लैक्स को मेंटेन कर रहा है ना, कोशिश कर रहा है ब्लैक्स के ऊपर ये चढ़े। अब अगर विदाउट ल्यूमिनस करता हूं, तो ये ब्लैक्स को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेगा, डार्क आउट है, ये फेड आउट सीधा कलर दे देगा, वो डार्कनेस नहीं मेंटेन है उसमें, ठीक है। इसमें डार्कनेस मेंटेन है, साइड बाय साइड रखो तो आपको क्लियर होगा, दोनों इमेज दिख रहा है साइड बाय साइड। अब ये विदाउट ल्यूमिनेंस दिख रहा है दोनों में डिफरेंस कलर का, डेप्थ का डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि ल्यूमिनेंस हम जब भी क्लिक करते तो वो हाईलाइट शेडोज और जो हमारा ये है मिड टोन है उसके कलर्स को मेंटेन करके वो कलर पुट आउट करना कोशिश करता, और ये जो हमारा फ्लैट विदाउट ल्यूमिनेंस वाला वो फ्लैट एक ग्रे के ऊपर जैसे कलर आप डाल दोगे तो वो कलर को डाल देगा। अब इसका एक प्राइमरी एग्जांपल और देता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। अब यह हो गया कलर, ठीक है, फ्लैट कलर आ गया। अब यह हो गया ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस में क्या होता है, ये पॉइंट्स है जो हमारे इसमें है, ल्यूमिनेंस में क्या हो रहा है, वो ग्रीन के थ्रू आपका कलर्स दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये यहाँ पे ब्लू प्रेजेंट है, यहाँ पे रेड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रीन प्रेजेंट है, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये जगह आपके हाईलाइट शेडोज और मिड टोन्स है, तो अब वो कलर्स को उसी बेसिस को मेंटेन करके कलर चढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ये ल्यूमिनेंस एरिया बता दिया। अब जैसे मैं इसको व्हाइट करूंगा क्योंकि उसमें कोई कलर ही नहीं है, ठीक है, ब्लैक करूंगा कोई कलर ही नहीं है, कोई सेपरेट कलर लगूंगा, वो हर बार आपको ल्यूमिनेंस बताने की कोशिश करेगा। तो वो प्रिजर्व ल्यूमिनेंस मतलब क्या कर रहा है, अगर ये डार्क है तो इसका डार्क मेंटेन करके वो ग्रीन डाल रहा है, इसका ये मेंटेन करके वो डाल रहा है, समझ गए? ओके। और इसको देखो, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास और है, जैसे अब ये कलर बैलेंस में मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये अब ये जैसे अब जैसे ही मैं ल्यूमिनेंस क्लिक करता हूँ चेंज आया, हाँ, तो वो उस एरिया के कलर को मेंटेन करके आपका वो कलर डालने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब वो डार्कनेस को मेंटेन करेगा, डार्कनेस को फेड आउट नहीं करेगा, इसमें फेड आउट हो जा रहा है, प्योर कलर आते जा रहा है, अच्छा। तो वो डेरिवेटिव कलर को मेंटेन करके वर्क करता है, मतलब डार्क कलर मतलब हाईलाइट शेडोज और ब्लैक्स को मेंटेन करके वर्क करता है। ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कलर चैनल के बेसिस पे, हम चैनल कर्व्स के बेसिस पे हम कैसे ग्रेड्स कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया ब्लू, जितना मैं इंक्रीज करूंगा ये ब्लू की तरफ जाएगा, मगर ये अगर शैडो को पुल करूंगा तो ये व्हाइट करेगा, तो हम ब्लूस पे कैसे हम मेंटेन कर सके डार्कनेस, अगर मेरे को डार्क आउट चाहिए तो आप कोशिश करो कि ये आप कोशिश करोगे इसको एक लिमिट लेयर पे ले जाने का, और सबसे की फैक्टर होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। आप जैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंजेस करोगे आप ऑटोमेटिकली आप चेंजेस दोगे, तो स्पेसिफिक अब जैसे देखो मैंने लीनियर ब्लू से मुझे एक कलर मिल गया स्काई का, ये मेरा मूड टोन है स्काई का। अब मेरे पास बेनिफिट क्या है, मेरे पास बेनिफिट है कलर रेंज का, मेरे पास बेनिफिट है कलर रेंज का, मैं सीधा गया कलर रेंज पे क्लिक किया और वो एरिया को लेना स्टार्ट कर दिया, वो स्काई के एरिया को ऐड पॉइंट डालना चालू कर दिया, रेंज बढ़ाना शुरू कर दिया।
अब कोशिश करता हूं थोड़ा सा फजीनेस कम करूं ताकि ब्लैक्स आते जाए और रेंज कम करूं, तो ये देखो एक मिड पॉइंट मेरा रेडी हो गया स्काई एरिया का। ओके करो, ये आपका सिलेक्टिव एरिया हो गया। इसको आप सीधा सिलेक्ट करके कंट्रोल आई इनवर्ट, ये देखो अब आप इसका फिल कम कर सकते, मेंटेन ले सकते। देखिए अब सेकेंड पॉइंट में हम आ जाते हैं कर्व एडजस्टमेंट में, हम ग्रीन्स और ब्लूज के साथ प्ले करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने लिया कर्व्स एक, इसको कर दिया या लेवल्स लेके इसको कर दिया मैंने सपोज सॉफ्ट लाइट, और इसका ओपेसिटी मैंने कम कर दिया, फिल कर दिया मैंने 50, ओपेसिटी मैंने कर दिया 50। अब मुझे इसको एक ग्रेडियंट इफेक्ट पे लाना है, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ जाना है, ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेना है प्रॉपर, और रेडियल ब्लर अगर मैं लेता हूं और एक फुल करता हूं, ये इस तरीके से वो सर्टेन एरिया को एनहांस करना पड़ेगा। अब एक चीज जो हम और कर सकते हैं, सपोज ये ब्लू स्काई की जगह मैंने इसको कर दिया अब अगर मुझे एक स्पेसिफिक मैंने ब्लैंक ब्रश किया, ब्लैंक एरिया लिया और यहां से मैंने एक सॉलिड कलर लिया फुल, अब इस एरिया को मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पोर्शन दिखाना, इसको रिवर्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम मास्क आउट कर सकते हैं, एक लाइट लीक का फील दे सकते हैं, और लाइट लीक का एक सिंपल तरीका है, जैसे अब हम इसमें इस इमेज में लाइट लीक बता देता हूं, आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाओ इस इमेज का और सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एक बार आप बैक सेलेक्ट कर लो, इस पे एक सॉलिड ब्लैक कलर डालो ब्लैंक लेयर को, फिर आप सीधा जाओ फिल्टर्स पे और चले जाओ
लेंस फ्लेयर, लेंस फ्लेयर में जो भी आपका डिजायर्ड फ्लेयर है उसको लो, एनहांस करना एनहांस करो, डिक्रीज साइज डिस्टेंस चेंज करना कर लो, ओके। अब इसको हमको सीधा कर देना है क्या, स्क्रीन दिख रहा, क्लियर आ गया? स्क्रीन, अब इसका आप चाहे तो ब्लरनेस कम ज्यादा कर सकते हो, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं हम और इसको कर देते हैं हम लोग फिर से कलर डॉट, तो ये एनहांस कर देगा, या लीनियर डॉट करेंगे तो ये और एनहांस कर देगा अगर आपको एनहांसमेंट की जरूरत है तो इस तरीके से हम लाइटली ग्रेडिएंट कर सकते हैं। अब एक प्योर ब्रश बेस्ड लाइटली बताता हूं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इमेज को कॉपी करो, स्मार्ट इमेज में कन्वर्ट करो। अब हम कैमरा रॉ की मदद से वर्क करेंगे स्टार्ट। कैमरा रॉ में जाओ, सीधा पंच आउट, डार्कन आउट, थोड़ा सा हम बढ़ा देते डीएस, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमें जाके या तो पेन या लेटेस्ट वर्जन ऑफ फोटोशॉप में जो हमको बेनिफिट मिलता है वो है क्विक सिलेक्शन का, क्विक सिलेक्शन लिए और इसका एक क्विक सिलेक्शन मास्क हम बना लिए, ये हो गया हमारा क्विक सिलेक्शन, ये टॉप ऑफ द इमेज आ गया। मास्क आउट कर दो कार को, सिर्फ इमेज को सिलेक्ट रखो, इस पे हम एक येलो टोन पंच दे देते हैं फोटो फिल्टर से पेस्ट के दे दिए। अब सिंपल हमको जाना है कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर पे, एक बार इसको कर दो स्क्रीन, ब्राइटनेस एनहांस हो गया, वापस चले जाओ, ब्रश का ओपेसिटी कम कर लो 20-20 और फेस पे जैसे आपको हाइलाइट्स लाना है उसके बाद आप नेट में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा लेंस फ्लेयर ब्रश। देखो इस टाइप के ब्रशेस रेडी रहते हैं और आप एक स्पेसिफिक कलर ले लो उस ब्रश के लिए एंड पुल डाउन। व्हाइट व्हाइट लेते हैं इसके लिए, और साथ में हम ब्रशेस आते हैं क्लाउड ब्रशेस, आप मैं लिंक सेंड कर दूंगा आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना उसको, जिसमें हम स्काई रिप्लेसमेंट बगैर करे भी वर्क कर सकते हैं। एक ब्लैक फिल कर दो लेयर फाइनल इमेज के ऊपर, सॉलिड कलर ब्लैक। और वही
वही हमको करना है, सीधा ग्रेडियंट पे जाओ, सेंटर ग्रेडियंट लो, कोई डाउट्स इसमें? कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? एक बार इसको फिर से बोलिए। हाँ रिपीट कर दीजिए। हाँ भाई, हाँ वही भाई, रिपीट कर दो। चलो एक और स्लाइड लेते हैं। हाँ, बेसिक इमेज डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करो ताकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप रॉ एडजस्टमेंट जो भी कि उसमें अगर कोई दोबारा चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते। सीधा फिल्टर में जाओ। कौन यहाँ पे सीसी यूज कर रहा है? कौन अभी तक CS3 और किस पे अटका हुआ है? CS6 में मुझे क्लियर करो कौन कौन सीसी 2017 के बाद का 18 के बाद का यूज करो और कौन अभी तक सीसी और इसमें अटका हुआ। तो 19 यूज कर रहा हूँ। और कौन क्या यूज कर रहा है मुझे बताओ। सर मेरा भी 19 है, 20 भी है। 20 है, 19 लाइसेंस और ये? नहीं सर, लाइसेंस तो नहीं है। मुझे एक चीज देखो, आप लोगों से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फोटोशॉप इज द बेसिक की अर्निंग ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन जो फोटोशॉप का आप लेते हो ना, 125 rupees पर मंथ है बस। आपको 25 rupees है? 825, 825 rupees एक महीने का। 825 है। कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। एक तो सबसे पहला बात, आपका क्रैश बहुत कम होगा, कभी भी कोई इश्यूज आएगा ऑलवेज जाके इजीली ऑनलाइन वो आपका सर्वर में लेंगे और आपका उस इश्यूज को क्लियर कर देंगे, ठीक करेंगे। बेनिफिट्स है बहुत सारे लाइसेंस वर्जन के। और 825 मंथली कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि आज आपका पूरा बिजनेस अच्छा, साथ में आपको फोटोशॉप और लाइट रूम दोनों दे रहे हैं, वो दोनों दे रहे हैं। एक बेनिफिट और है कि आप दो मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो इसको, बट यही है कि एक बार में एक मशीन में चलेगा। सपोज आपके पास लैपटॉप और पीसी है, आप पीसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप पीसी पे वर्क नहीं कर रहे हो तब लैपटॉप पे वर्क कर सकते हो, ये भी बेनिफिट है इसमें। चलो फिर आगे चलते, और पुराने वर्जन में कौन कौन है बस मुझे इतना क्लियर कर दो। कोई नहीं है पुराने वर्जन में? चलिए फिर नए वर्जन में तो इजी पड़ेगा ना, तो पुराने वर्जन में मुझे एक टेक्निक और बताना पड़ता आप लोगों को। हम कैमरा रॉ में गए फिल्टर से, सीधा टेम्परेचर। अभी हमको वार्म टोन चाहिए ना, टेम्परेचर पे गए, हाइलाइट्स कम किए, एक्सपोजर थोड़ा सा कम किए और बीहेज बढ़ा दिए ताकि मुझे अच्छा सा एक इफेक्ट मिल जाए। ओके, अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिया है लेटेस्ट वर्जन। इमेज दिख रहा है ना क्लियरली? हाँ सर, ओके यार, ठीक है। उसके बाद सीधा वांट पे जाना है, सिलेक्ट एंड मास्क में क्लिक, सॉरी ये वांट में जाना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो ये कोशिश करेगा सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की। एवरेज आपका सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट कर लिया है, अब आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इसको इजीली मैजिक वांड से।
रिफाइन एज पे जाके हम रिफाइन कर लेते हैं इमेज को, ठीक है। सॉरी उल्टा लेना है हमको, आप रिफाइन एज की जगह सीधा इसका कॉपी बनाओ और इसको ये कर दो। हमने ये कर दिया। एक चीज और हम कर सकते हैं, ये फेदर को इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा आसपास का फेदरिंग ब्राइट होगा, बल्कि जरूरत नहीं पड़ता ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक हम नीचे वाले लेयर पे जाएंगे, फिल्टर्स पे जाएंगे, फोटो फिल्टर्स पे जाके येलो करके थोड़ा सा पंच करेंगे ताकि हमारे स्किन टोन भी मैच हो जाए उसके साथ। और फिर एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर पे जाके हम सीधा कर देंगे स्क्रीन, स्क्रीन करके हम कर देंगे उसको अनमास्क, अनमास्क करके ब्रश का 20-20 फ्लो रखेंगे और सीधा सीधा जो एरिया मुझे चाहिए कि हाईलाइट होना चाहिए, एनहांस होना चाहिए, मैं उस एरिया पे ब्रश कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा कर्व उठा दूंगा ताकि मुझे एक डेप्थ मिल जाए उसमें। फिर ब्लैंक लेयर लेना है इसके नीचे, मैं भेज दूंगा आपको रेस का, ये व्हाइट रेस लेना बेस्ट रहेगा, मेरे पास ऑलरेडी है डाला, मैं लिंक भेज दूंगा डाउनलोड, वहां से कर लेना। अब एक नया रे ले लेते हैं, चलिए ब्लैंक लेयर लेके वो रे पे आप क्लिक करो। सॉरी ब्लैंक रे पे क्लिक किए, सब्जेक्ट सिलेक्शन लो और उसको इसको आप फिल आउट कर दो तो ये ब्लैक्ड आउट एरिया ले लेगा आपका। इसके बाद आप चाहे तो इसका जो ये है गॉसन ब्लर से आप इसका इंपैक्ट कम कर सकते हो, ब्लर आउट कर सकते हो और इसका ओपेसिटी कम कर सकते हो। फिर क्लाउड ब्रश लो, फिर एक बेसिक ब्लैक सॉलिड कलर लेयर लो और यहां ग्रेडियंट मैप से रेडियंट ब्लर लेके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ये इतना पुल करोगे नीचे से ये इस तरीके से वो एनहांस करेगा, छोटा पुल करोगे छोटा लेगा, लंबा करोगे डिफ्यूज करके लंबा लेगा, क्रॉस करोगे क्रॉस देगा। सर
और अगर आप नॉर्मल रेडियल लोगे तो ये साइड ऑन देगा, इस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो। रिफ्लेक्टिव देगा तो ये क्रॉस देगा, इस तरीके से सिंगल क्रॉस देगा। डायमंड जाओगे तो डायमंड शेप पे देगा, ये ऐसे डायमंड शेप पे देगा, और ये रिफ्लेक्टिव बीच का डाय ये देगा। तो या तो रेडियल आप या रेगुलर ये ले सकते हो। ये कोई डाउट्स इसमें? अब एक बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक हम वर्क करते हैं, बस मास्किंग और ये सिर्फ कर्व्स और मास्किंग पे वर्क करेंगे। कर्व्स लो, मल्टीप्लाई में जाओ, रेड्स पे जाओ, ब्लू को ऑपोजिट येलो और ग्रीन, ये बेसिक स्काई आ गया मेरा। अगर मुझे इवनिंग स्काई चाहिए तो फिर आरजीबी कर्व्स पे जाओ, एनहांस। फर्स्ट मैंने स्काई बना लिया, ठीक है, ये मेरा स्काई एरिया बना लिया, मास्क आउट। फिर एक कर्व लिया मैंने, ये अब से मेरे इमेज के लिए रेडी हो गया। इसको आप सॉफ्ट लाइट डाल के कॉन्ट्रास्ट या पंची कर सकते हो और फिल कम कर दोगे तो ये पंच क्रिएट हो जाएगा। अब एक बेसिक मैंने चैनल मिक्सर लिया और सीधा थोड़ा सा ग्रीन्स को पुल किया और ब्लूज को पुल किया, और फिर वही सॉलिड कलर ब्लैक लेयर रेंडर लाइट इफेक्ट। लेंस फ्लेयर, सॉरी, कन्वर्ट टू वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अब मैं देख लेता हूँ ये मूवी प्राइम 105, ये ठीक है, सूटेबल फॉर्म स्क्रीन। सिलेक्टिव कलर में गए, सॉरी सिलेक्टिव कलर में गए, यू सैचुरेशन में गए, कलर से सिलेक्ट किया, ये ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है, और बाकी साइड के एरिया हम मास्क आउट कर सकते हैं एनी टाइम। फिर कर्व्स पे गए, कलर बर्न, मास्क,
कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? एक लास्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन हम आप करेंगे। वो है टिपिकल इस टाइप के, जैसे हमारे पास इमेजेस आते हैं, तो इस टाइप के टिपिकल इमेजेस के लिए सबसे पहले तो आप लेना बेसिक मॉस्को, अब इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारा, तो इसके अलावा दिखा देता हूँ, वो है डेप्थ ऑफ फील्ड हम और कितना अच्छा बना सकते हैं। आप जैसे ही जाओगे ना, इसमें आएगा ब्लर गैलरी, ब्लर गैलरी में फील्ड ब्लर लेना। अब फील्ड ब्लर में बेनिफिट क्या होता है, ये इंडिविजुअल एरियाज एंड पोजिशंस देता है आपको ब्लर आउट करने के लिए। सीधा सिलेक्ट सब्जेक्ट में क्लिक करना, और जैसे आपको ये इन फोकस चाहिए, चाहे तो इसका ओपेसिटी कम कर सकते हो, आपके चॉइस के ऊपर है। उसके बाद हम सीधा एक बेसिक ग्रेडियंट लेते हैं, सॉफ्ट कलर ऑलवेज बेस्ट वर्क करता है ग्रेडियंट्स के लिए। नॉइस को क्लिक करते हैं, रैंडमाइज को अराउंड 7 करते हैं, क्लियर? कोई डाउट्स? चलिए तो फिर ये सेशन हम यहीं अप करते हैं। सर एक चीज जानना था मुझे, कि ये थोड़ा कलर ग्रेडिंग के बारे में नहीं है, मतलब एक टूल के बारे में था।
पेन टूल जो है ना वो थोड़ा कैसे यूज करते हैं, थोड़ा गाइड कर देंगे? मतलब मैं लिप प्रीटच कर रहा था तो वो मुझसे थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है पेन टूल। ये ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब ये जोन है, अब ये है आपका एक्सेस पॉइंट। अच्छा एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट के साथ वर्क करना है। ये टर्निंग एक्सेस पॉइंट है, ये छोटा भी हो सकता है, छोटा करोगे ये बड़ा होगा, अगर लॉन्गर एक्सेस पे करना है। हुआ क्या? ये देख पाया? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट दबा के जो पॉइंट को आप कट करना चाहते हो यहाँ से कट कर दो। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट रेडी हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है।